आज से करीब 52 साल पहले 1970 में 65 बंगाली हिंदू परिवार पूर्वी पाकिस्तान से भारत चले आए थे और मेरठ के हस्तिनापुर में बस गए थे। इन परिवारों के पुनर्वास के लिए इन्हें पास के ही मदन सूद मजिल में काम दिया गया था, लेकिन 1984 में ये मिल बंद हो गई और इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। दो परिवारों के सदस्यों की मौत हो चुकी है और 63 परिवार पिछले 38 साल से संघर्ष कर रहे थे, जिनका इंतजार शायद अब खत्म हो जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 63 बंगाली हिंदू परिवारों को कृषि भूमि का पट्टा और आवास का आवंटन पत्र सौंपेंगे। ये सभी 63 परिवार 1970 में पाकिस्तान से यूपी आकर बस गए थे और मेरठ के हस्तिनापुर में रह रहे थे। ये परिवार पिछले कई सालों से आवास और खेती के लिए कृषि भूमि की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी लखनऊ में इन सभी 63 परिवारों को आवंटन पत्र सौंपेंगे। इन सभी परिवारों को आवास के अलावा खेती के लिए 2 एकड़ जमीन लीज पर दी जाएगी। साथ ही हर परिवार को आवास के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इन परिवारों के सदस्यों को इनकी योग्यता के अनुसार मनरेगा के तहत काम भी दिया जाएगा। बता दें कि सरकार ने इन परिवारों के लिए 300 एकड़ जमीन चिन्हित किया है और इस भूमि पर इन्हें सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी, ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि सभी हिंदू परिवारों को कानपुर के रसूलाबाद में जमीन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि विस्थापित हिंदू परिवारों को आज जमीन मिली है। विस्थापन के बाद से आज तक ये लोग भटक रहे थे, लेकिन आज उनका सपना पूरा हो रहा। मैं आप सबका हृदय से आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। अड़तीस वर्षों की आपकी जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा दूर हुई और इन सभी 63 परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक एक आवास और शौचालय यह स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बता दें कि मिल बंद होने के कारण कुल करीब 400 शरणार्थी परिवारों की रोजी रोटी पर संकट आया था और इनके पुनर्वास की प्रक्रिया की जानी थी, लेकिन करीब 340 परिवारों को ही सरकार पुनर्वासित कर पाई थी। बाकी बचे हुए 63 परिवारों को अब पुनर्वासित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।